हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग प्रमुख व्यक्ति और उसके लोकप्रिय उपनाम। जो व्यक्ति और उसके लोकप्रिय उपनाम है उनके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम यहाँ पे सारे उपनाम जितने व्यक्ति के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सब नाम पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे बना रखा है दोस्तों पहले उपनाम का और उसके बाद व्यक्ति का जो है नाम। तो सबसे पहले देखते हैं उपनाम निर्मल हृदय, यानी निर्मल हृदय के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा जानी जाती है। मदर टेरेसा अल्बानिया की थी। और नेक्स्ट देखते हैं विश्व कवि, तो विश्व कवि के नाम से रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। अगला है कवि गुरु, तो कवि गुरु के नाम से भी रविन्द्रनाथ ठाकुर को जाने जाते हैं। इनको दो हो गए यहाँ पर, विश्व कवि और कवि गुरु, तो ये दोनों उपाधियाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर की। अगला है तोता ए हिंद, जिसको तूती ए हिंद कहते हैं, तो यह अमीर खुसरो। आगे तोती ए हिंद यानी तोता ए हिंद, तो तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाने जाते हैं। अगला है बाबूजी, तो बाबूजी जो उपनाम है वो है जग जीवन राम का। तो यहाँ से आप याद रखेंगे बाबूजी किसका उपनाम है, तो बाबूजी उपनाम है जग जीवन राम का। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन के उपनाम से समुद्रगुप्त को जाने जाते हैं, जो गुप्त वंश के शासक थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को उसके सैन्य अभियान के कारण उसका नाम पड़ा था। तो भारत का मैकियावेली, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा हरिकेन, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाने जाते हैं, जो एक क्रिकेटर थे। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाने जाते हैं। अगला है हॉकी के जादूगर, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को जाने जाते हैं। तो अगला है दोस्तों फ्यूरर यानी फ्यूहरर, तो फ्यूहरर के नाम से एडोल्फ हिटलर को जाने जाते हैं। वार्ड ऑफ एवन के नाम से विलियम शेक्सपियर को जाने जाते हैं। अगला है गुजरात का जनक, तो गुजरात का जनक किसे कहा जाता है, तो गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। यानी गुजरात के जनक के उपनाम से किसे जाने जाते हैं, तो रविशंकर महाराज को। अगला है ब्लैक गांधी, तो ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाने जाते हैं। यहीं पे है अगला भारतीय इतिहास का नृप निर्माता यानी किंग मेकर किसे कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का किंग मेकर सैयद ब्रदर्स यानी सैयद बंधु को कहे जाते हैं। यहाँ पे अगला है दोस्तों महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र, तो महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। अगला है लिटिल कारपोरल, लिटिल कारपोरल, लिटिल कारपोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट जाने जाते हैं। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम लिटिल कारपोरल है। अगला है लाल बाल और पाल, एक साथ है दोस्तों लाल बाल और पाल, तो यहाँ पे लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो लाल बाल और पाल से आप नाम याद रखेंगे, लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पॉल। नेक्स्ट है उरनपरी, तो उरनपरी के नाम से पीटी उषा जाने जाती है, यानी पीटी उषा का उपनाम उरनपरी है। नेक्स्ट है वयोवृद्ध पुरुष, तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नेहरोजी जाने जाते हैं। यानी सबसे वृद्ध व्यक्ति, तो दादा भाई नेहरोजी को ही कहे जाते हैं। लौह पुरुष, तो लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लौह पुरुष भी है। अगला है यहाँ पर दोस्तों शांति पुरुष, तो शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री जी को जाने जाते हैं। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का उपनाम
शांति पुरुष है। पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी के नाम उपनाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार केसरी, तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। तो बिहार केसरी के उपनाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला है बंगाल केसरी, तो बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी जाने जाते हैं। यानी बंगाल केसरी के उपनाम से आशुतोष मुखर्जी जाने जाते हैं। शेर ए कश्मीर, तो शेर ए कश्मीर के उपनाम से शेख अब्दुल्ला, शेर ए कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला जाने जाते हैं। अगला है बंग बंधु, तो बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान जाने जाते हैं। अगला है देश बंधु, तो देश बंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास, यानी देश बंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास ही जाने जाते हैं। अगला है दीन बंधु, तो दीन बंधु के नाम से सी एफ एंड्रोज जाने जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना हमें, देश यानी देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु सी एफ एंड्रोज। लोकमान्य, तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। और लोकनायक, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। यानी यहीं पे है जननायक, तो जननायक उपनाम है कर्पूरी ठाकुर का। तो अगला है राजऋषि, राजऋषि उपनाम है पुरुषोत्तम दास टंडन का। यानी राजऋषि उपनाम है पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे है गुरुदेव, तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। अगला है गुरुजी, तो गुरुजी के नाम से एम एस गोवलकर, यानी गुरुजी के नाम से एम एस गोवलकर जी जाने जाते हैं। अगला है सी राज गो, यानी राजा जी, तो राजा जी उपनाम है सी राज गोपालाचारी का। और सी का मतलब है यहाँ पर चक्रवर्ती, तो यानी राजा जी के उपनाम से सी राज गोपालाचारी चंद्र चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जाने जाते हैं। यहाँ पे है महामना, तो महामना के उपनाम से मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इसको याद ऐसे रखेंगे आप, एम एम यानी चार बार एम, महामना मदन मोहन मालवीय, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों अंकल हो, अंकल हो, अंकल हो के नाम से जाने जाते हैं हो ची मिन, अंकल हो के उपनाम से जाने जाते हैं हो ची मिन। आगे है बिहार विभूति, तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह जाने जाते हैं। यानी बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह जाने जाते हैं। अगला है देश प्रिय, तो देश प्रिय के नाम से यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त जी जाने जाते हैं। यानी देश प्रिय जो उपनाम है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का। अगला है भारतीय फिल्मों के पितामह, यानी भारतीय फिल्मों के पितामह गुंडीराज गोविंद फाल्के, जिसको दादा साहेब फाल्के भी कहते हैं। तो भारतीय फिल्मों के पितामह का जो उपनाम है वो है गुंडीराज गोविंद फाल्के। अगला है विरोधाभासों का मिश्रण, यानी विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहते हैं या विरोधाभासों के मिश्रण से कौन जाने जाते हैं? तो विरोधाभासों के मिश्रण से मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम जानते हैं प्रसिद्ध नाम MBT, वो तुगलक वंश के शासक थे। विद्रोही कवि, तो विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम, यानी विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते हैं काजी नजरुल इस्लाम। अगला है मैन ऑफ डेस्टिनी, यानी मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट जाने जाते हैं। अगला है दोस्तों ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, तो ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से ग्लैडस्टोन जाने जाते हैं। यानी ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से ग्लैडस्टोन जाने जाते हैं। अगला है मैडम क्वीन, तो मैडम क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उपनाम था। यानी मैडम क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के उपनाम से जाने जाते हैं। अगला है भारतीय पुनर्जागरण का पिता,
तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं, यानी राजा राम मोहन राय का उपनाम भारतीय पुनर्जागरण का पिता। अगला है दोस्तों कायदे आजम, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम है, यानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहे जाते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी देश रत्न किसका उपनाम है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम है। और यहीं पे अजात शत्रु, तो अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम है, यानी दो हो गए, देश रत्न और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला है दोस्तों नेताजी, तो नेताजी प्रसिद्ध नाम है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का, आप लोग जानते होंगे नेताजी, तो नेताजी उपनाम है सुभाष चंद्र बोस का। आगे है चाचा, तो चाचा के उपनाम से जाने जाते थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनको बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे थे, तो इसलिए उनको चाचा नेहरू भी बुलाते थे। अगला है युवा तर्क, युवा तुर्क, तो युवा तुर्क के नाम उपनाम से जाने जाते हैं श्री चंद्रशेखर। अगला है ताऊ, तो ताऊ ताऊ के नाम से जानते हैं चौधरी देवीलाल, यहाँ पे स्टेडियम भी है दोस्तों हरियाणा में, ताऊ ताऊ चौधरी देवीलाल। आगे है शहीद आजम, शहीद आजम यानी शहीद आजम के उपनाम से जाने जाते हैं भगत सिंह, शहीद आजम वीर भगत सिंह, यानी उसका नाम भी है दोस्तों, तो आप तो याद रखेंगे शहीद आजम के उपनाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। आगे है माता वसंत, अगला है दोस्तों माता वसंत, तो माता वसंत के नाम से एनी बेसेंट जानी जाती है। अगला है भारत का कोकिला, यानी भारत कोकिला किसे कहते हैं, तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं। और यहीं पर याद रखेंगे आप स्वर कोकिला, स्वर मतलब आवाज़, जो सुंदर आवाज़, तो स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जी जानी जाती है। सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। और यहीं पे है बापू, तो बापू के नाम से भी महात्मा गांधी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों देखा व्यक्ति और व्यक्ति का उपनाम। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कौन सा पार्ट अच्छा लगा था आपको, नाम या जो नाम आपको आता होगा, कितना आता होगा, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।